नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें, छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढके और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मले। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें, बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ ना बढ़ाएं, जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इसे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है। इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को रुकना होगा, पलट कर जाना होगा, हारना होगा। KEM और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस। हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए। हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या जुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम सब जीनियस हैं। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह कि हमें किसी की सुननी ही नहीं। सुबह शाम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखने, लेकिन जब 2 हफ्ते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पे जाना है। प्रेजेंटेशन, सबमिशन, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, इकोनॉमी गिर जाएगी। सालों जब मीटिंग में फोन नीचे छुपा छुपा के टिकटॉक, इंस्टा करते हो तब नहीं गिरती इकोनॉमी। सारी बड़ी कंपनियां कह रही है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन नहीं, हमने ठेका लिया है इकोनॉमी बचाने का। अरे इकोनॉमी गिरेगी तो सबकी गिरेगी ना भाई, मिलकर संभाल लेंगे। और जो लोग पार्क में वॉक करने के लिए निकल लिए ना, फूफा जी के घर पे जा रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, टर्फ पे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां नहीं चालू हो गई हैं, कुछ तो शर्म कर लो। IPL, प्रीमियर लीग, NBA, F1, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद हो गए। अरे भाई पिक्चरों की रिलीजें रुक गई हैं, लेकिन आप नहीं रुकोगे। रेस्टोरेंट्स, पब वाले टेंशन में थे कि सबसे पहले उनका धंधा बंद होगा, या इनकी दुकानों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टोरेंट्स 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। अरे निब्बा निब्बियो, एक एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन प्यार करने के लिए बचोगे तब ना। फिल्टर लगा लगा के अपने फोटोज पे कैप्शन डालेंगे, स्ट्रॉबेरीज, न्यूटेलास, फ्रोजन योगर्ट, हेल्पिंग मी बीट दिस कोरोना स्ट्रेस। अरे असली कोरोना स्ट्रेस तो शुरू भी नहीं हुआ है, Phase 3 पहुंच गया ना एक बार, तो उसी फोन पे गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूज देख लो, समझ में आ जाएगा कोरोना का स्ट्रेस होता क्या है। जब मोदी जी बोल रहे हैं, ट्रंप भाई साहब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रह लो, तो सुन लो ना, इनको आता है। डॉक्टर फौकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वायरसों का, वो भी बोल रहा है कि अगर ओवर रिएक्शन भी लग रहा है ना तो भी घर बैठो। और यहाँ लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे हैं जू बीच पर पाव भाजी खाने। पॉकी देख लेगा ना तो नौकरी छोड़ देगा, डिप्रेशन में आ जाएगा बेचारा, और यही करते रहना तो ट्रेनें भी बंद हो जाएंगी। इटली वीडियो बना बना के भेज रहा था दुनिया को कि उन लोगों को बता पाए कि इन लोगों ने 10 दिन तक क्या गलतियां की। हम वही कर रहे हैं अभी। दोस्त फोन करके ड्राइव पे जाने के लिए बोले ना तो उसको भर भर के गाली दो, खुद भी बैठो और सबको बोलो घर बैठे अपने अपने। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ जब तक कि गवर्नमेंट कोई गुड न्यूज नहीं बताती। इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन ट्रायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आई है मुसीबत, सब एक साथ मिलेंगे तो निकल जाएंगे इसमें से। खुद पे और दूसरों पे भरोसा करो ना। प्लीज पार्टी मत करो ना, ट्रैवल मत करो ना, लोगों को मत मिलो ना, नेटफ्लिक्स अकेले करो ना, घर से काम करो ना, घर पे काम करो ना, घर के काम करो ना, अभी शादी मत करो ना, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करो ना, मेडिटेट करो ना, वीडियो कॉल करो ना, हैंड वॉश करो ना, फेस टच मत करो ना, फेस मास्क यूज करो ना, GF BF को अभी मत मिलो ना, नमस्ते करो ना, सबसे दूर रहो ना, करो ना, स्टॉप करो ना।
तो तू मेरी बात करा दे और बोल देना कि मैं अभी तो थोड़े दिनों में यहीं पर रहूँगा, तो जब थोड़ा सा मामला 14 दिन का या 12-15 दिन का थोड़ा कम हो जाएगा तो मिलने आऊँगा। वो अपसेट तो होंगी मगर बेटर है बात करा दे ज़रा। माता जी नमस्कार। ठीक ठाक ठीक ठाक बारे अरे मम्मी बेटर है ना, अभी नहीं मिलना ना, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा भी है ना। इसका मतलब तो शक्ल नहीं दिखाएगा मेरे को, ऐसे क्या इस पे दिखाएगा? अरे शक्ल दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा फोन ठीक करो ना, तो आधी शक्ल नजर आ रही है आधी नहीं नजर आ रही है। बड़ा खराब है तुझे, तुम किसने कहा ये बात? मम्मी ये तो बेटर है इस तरह से, ये अच्छा रहेगा। मैं तो आ गया हूँ, आपको मिल रहा हूँ, मिलूंगा जल्दी आके। ठीक है जैसे तुम खुश रहेगा। बस आप भी अपना ख्याल रखो और बाहर बाहर ज्यादा मत जाना। मैं तो जाती नहीं, मुझे 20 दिन से जाती नहीं, या महीना गई नहीं मैं बाहर। वेरी गुड। हर मत को कहना कि डॉक्टर से पता करे क्या करना आपकी वो आंख का ना। हाँ हाँ मैं पता कर लूंगा। टेक केयर, लव यू लव यू लव यू। सोमवार को जाना ना। ओके माता, लव लव यू डार्लिंग, लव यू बोल दो, लव यू। ठीक है बेटा, जो तू पूछ रहे तो आया, यही मेरे लिए बहुत है। लव यू तो बोल दो, लव यू बोलो, लव यू ना। आई डू लव, आई यू लव, आई लव यू, आई यू लव। ओके थैंक, बाय 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 बाय। अच्छा नमस्कार, नमस्ते फ्रेंड्स। वरी शुड किल यू बिफोर अ वायरस किल्स यू। कोरोना वायरस इज वेरी सीरियस एंड वी शुड टेक इट सीरियसली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड इट एज पैंडेमिक। एवरी कंट्री इज टेकिंग इट्स ओन प्रिकॉशंस। इट्स इंपॉर्टेंट वी फॉलो ऑल द एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अस बाय आर डॉक्टर्स, बाय आर रिस्पेक्टिव हेल्थ अथॉरिटीज। This virus is also having its impact on economy, on almost all the businesses. Schools are shutting, people are asked to work from home, airlines are cancelling their flights, and much more is happening. There is a fear everywhere, and unfortunately, this fear is very real. But more than anything else, it is impacting our daily life. It's affecting our minds, our psyche in a very frightening manner. Suddenly, the whole world seems to be depressed, and rightfully so, because maybe for the first time in modern times, we are collectively feeling helpless. Also, messages from relatives and friends, forwards, news channels, newspaper reports, phone conversations, live bulletins are not helping at all. So maybe now, unknowingly, we are also discovering the importance of being alive. I think one of the only ways to deal with this crisis is to change our attitude towards life. We can't do anything about it except by being careful. But we can discover that maybe this is the time to find love among each other, to realize the importance of happiness, the importance of togetherness, the importance of the reality that nothing is in our hands, that we are not mighty at all. One virus has made us unimportant, extremely vulnerable, and to some extent, ordinary and lonely human beings. So why don't we enjoy every single moment and discover the joy of being alive? Why don't we greet people with extra stretched smiles? Why don't we express love and shun hate? Why don't we start believing in optimism? Why don't we dream of a better world? Why don't we just live every moment? And there's a saying, it says, everything is okay in the end. If it is not okay, it is not the end. Namaste. Namaskar. I appeal to all the people to avoid public places and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely, extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation.
and please follow the instructions and guidelines issued by the state government.